नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमरावती रेलवे स्टेशन पर 3 वर्षीय मासूम बालिका की लाश मिलने से हड़कंप। काले बुरखे में लपेट कर रखा गया था शव को। वेंकटेश ऑयल इंडस्ट्रीज में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान। जाली नोटों के तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े, 5 आरोपी पश्चिम बंगाल के। मित्रा महासंघ का महानगर पालिका के सामने धरना। मनपा स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी सिखाने की मांग। और गुजराती एजुकेशन सोसाइटी के चुनाव संपन्न हुए। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर, आ जा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जा। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। न्याय व्यवस्था और पुलिस विभाग की समस्याओं पर एक सेमिनार का आयोजन रविवार को वसंत हॉल में किया गया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अंबादास जोशी के प्रमुखता में ये कार्यक्रम आयोजन हुआ। इस पर सिटी चैनल को पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया, पुलिस और न्यायपालिका के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हाल ही में स्थानीय वसंत हॉल में संपन्न हुई। इस बैठक में न्यायमूर्ति, पुलिस के आला अफसर, विधि अधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। इस बैठक में पुलिस को न्यायपालिका से आने वाली तकलीफें, न्यायदान में पुलिस की तरफ से आने वाली रुकावटें आदि पर सुस्तर चर्चा कर कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। ऐसी जानकारी पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने सिटी चैनल को दी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अंबादास जोशी इनके मार्गदर्शन में हुए बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि अब पुलिस विशेष तौर से FIR लिखने के लिए बनाए जाने वाले डायरी पर ही सारी शिकायतें लिखेंगी, साथ ही साक्षीदार के समक्ष पत्र पर ही बयान दाखिल करेंगी। और भी कई महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए गए। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। अगली खबर है, बड़नेरा मार्ग के MIDC पर वेंकटेश ऑयल इंडस्ट्रीज में आग लग जाने के कारण लाखों रुपए के माल का नुकसान हो गया। वेंकटेश ऑयल इंडस्ट्री के राधेश्याम सोमानी ने बताया कि रविवार की रात अचानक उनके कारखाने में आग लग गई। तेल से संबंधित मटेरियल की वजह से यह आग फैलकर लाखों रुपए का माल खाक हो गया, जिसमें फल्ली दाने, बारदाना आदि का समावेश है। अग्निशामन दस्ते की मदद से इस आग पर काबू पा लिए जाने की जानकारी भी इस वक्त दी गई। वेंकटेश ऑयल इंडस्ट्री 67 फीट से लगे, 12 बजे लगी, 5:30 तक चलती, 18 गाड़ी आई बनी। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। अगली खबर है, महानगर पालिका की स्कूलों में पहली कक्षा से ही अंग्रेजी सिखाई जाए, इस मांग को लेकर मित्रा महासंघ के लोगों ने महानगर पालिका के सामने धरना आंदोलन किया। दिसंबर 2010 और जून 2011 में मित्रा महासंघ की ओर से मनपा को निवेदन दिया गया है कि शिक्षा प्रणाली में सुधारना के लिए मनपा की सभी शालाओं में कक्षा पहली से ही अंग्रेजी की शिक्षा दी जाए। ये सुविधा निजी स्कूलों में ही रहने से सभी बच्चे इसका लाभ ले नहीं पाते, पर मनपा की स्कूलों में भी अंग्रेजी सिखाई जाए तो आम अवाम के बच्चे भी दर्जेदार शिक्षा ले सकते हैं। इस मांग की ओर मनपा प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए मित्रा महासंघ ने मनपा के सामने धरना प्रदर्शन भी किया। मित्रा महासंघाच्या वतीने दिसंबर 2010 पासून अमरावती महानगर पालिकेच्या शाळेमध्ये इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण सुरू होण्यासाठी जनजागृती करण्यात आली आहे। तसेच त्यासाठी प्रशासनासमोर हा प्रश्न मांडला जाणार आहे, परंतु आतापर्यंत मनपा प्रशासनाद्वारे या प्रश्नावर काही कारवाई न केल्यामुळे आज मित्रा महासंघाच्या वतीने या ठिकाणी धरणे आंदोलन आम्ही आयोजित केले। अमरावती महानगरपालिकेमध्ये 8 लाखाची लोकसंख्या असताना फक्त 8,000 विद्यार्थी हे महानगरपालिकेच्या शाळेमध्ये शिकतात आणि लाखो विद्यार्थी हे प्रायव्हेट शाळेमध्ये जातात। आज गोरगरिबांच्या मुलांना प्रायव्हेट शाळेमध्ये इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण घेण्याशिवाय पर्याय नाही, त्यामुळे गोरगरिबांच्या मुलांना एक दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी महानगरपालिकेच्या शाळेने कुठल्याही परिस्थितीमध्ये या सत्रामध्ये इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू केल्या।
केल्यास पाहिजे ही आमची आग्रही मागणी आहे. हमारे संवाददाता सुदेश चव्हाण की रिपोर्ट. अगली खबर है जाली नोटों के सौदागर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं. इनके पास से लगभग 3 लाख रुपए की जाली नोटें बरामद की गई है. पुलिस की कार्रवाई और आगे की छानबीन जारी है. बताया जाता है कि तीनों आरोपी पश्चिम बंगाल के हैं. मोहम्मद शरीफुल इस्लाम, अमीनुद्दीन शेख उम्र 19 साल, महेश माटी, फिरदौस अली, मुजीबुर रहमान उम्र 20 साल, मोहम्मद मुकद्दर हुसैन, मंजूर आलम, मोहम्मद नजीमुल शेख, शेख मुकद्दम, ये सारे डिस्ट्रिक्ट मालवा दरियापुर के वो आरोपी हैं जिनके पास से 3 लाख रुपयों की जाली नोट जब्त किए गए. ये आरोपी सबूरी भोजनालय लॉज बड़नेरा के रूम नंबर 2 में होने की जानकारी पुलिस को अकोला में 40,000 रुपयों के जाली नोटों के साथ पकड़े गए एक आरोपी ने दी थी. इस जाली नोटों के तस्करों के अच्छे बड़े तार जुड़े रहने की तीव्र आशंका जताई जा रही है. फिलहाल तफ्तीश जारी रहने की जानकारी सूत्रों द्वारा प्राप्त हुई है. हमारे संवाददाता सुदेश चव्हाण की रिपोर्ट. आइए दिखाते हैं आपको महिलाओं ने किस तरीके से टाउन हॉल में एक कार्यक्रम में अपनी कलाओं को बिखेरा. माहिर संस्था की ओर से स्थानीय टाउन हॉल में स्मरणिका का विमोचन एवं रन रागिनियों के परिचय समारोह का आयोजन किया गया था. महाभारत से लेकर आज तक जो रन रागिनी हुई उनकी गाथा एवं पराक्रम पर इस दौरान रोशनी डाली गई. गंधारी, सीता, द्रौपदी, झांसी की रानी से राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल तक की पराक्रमी महिलाओं पर किरदार करने वाली महिलाएं माहिर संस्था की सदस्य एवं पदाधिकारी हैं. मान्यवरों ने भी इस कार्यक्रम को खूब सराहा. हमारे संवाददाता सुदेश चव्हाण की रिपोर्ट. यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए. खबरें और भी हैं, जल्द वापस लौटते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद. दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी याना. इंडिया बुल्स होम लोन्स घरी याना. सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है. अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार. अगली खबर है अमरावती सिटी न्यूज की. वेबसाइट सेलिब्रेट कर रही है 10,000 हिट्स इन अ वन मंथ. इतने कम समय में सिटी न्यूज की वेबसाइट के चाहने वालों की संख्या को देखते हुए लगता है आने वाले दिनों में लाखों में संख्या पहुंचने को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा. आइए हम आपसे मिलाते हैं इस वेबसाइट के डेवलपर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर वैभव शर्मा से कि उन्होंने कैसे डिजाइन की और डेवलप की हमारी ये वेबसाइट. हमारे साथ आज स्टूडियो में है हमारे वेबसाइट के डिजाइनर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और वेबसाइट डेवलपर वैभव शर्मा, जो पूना से इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं. आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 10,000 हिट्स ऑफ आवर वेबसाइट इन विद इन अ वन मंथ पीरियड. ये सारे श्रेय के पीछे इस इंजीनियर का हाथ है जिनसे हम मुलाकात कराते हैं, जो पूना से आए हैं और इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं. वैभव भाई, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे इस स्टूडियो के अंदर में. नमस्कार. सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारी जो 10th के रिजल्ट के बाद जिस तरीके से हमारी वेबसाइट पे हिट्स बढ़ी हैं, आपने इसे डिजाइन किया, आपने इसे डेवलप किया है, तो क्या क्या फैसिलिटीज को आपने ध्यान में रख के किया था और आपकी क्या सोच थी इसके पीछे, आपका आइडिया क्या था? जैसे कि अमरावती एक ऐतिहासिक शहर है, तो जो भी न्यूज़ है वो हर गली और हर कोने तक पहुँचनी चाहिए.
तो इसके हिसाब से ये माध्यम लेके हमने पूरा, एक तो जो भी वीडियोस है पूरे वो अपलोड होने चाहिए और जो भी ब्रेकिंग न्यूज है वो उसमें आनी चाहिए। प्लस इसमें अपने फ्री SMS फैसिलिटी ऐड की है, इसमें फ्री गेमिंग फैसिलिटी ऐड की है। लोगों को कोई भी गाना सुनना है नया तो वो सिर्फ उसमें इजीली सुन सकता है। मतलब इन शॉर्ट वी कैन से दैट एक छत के नीचे सारी फैसिलिटी हमने इसमें ऐड की है। तो कोई भी अगर आता है तो मतलब उसे पसंद आता है कि न्यूज़ भी आप यहीं से देखो, गाने भी आप यहीं से देखो और मतलब वीडियो गेम भी यहीं से खेलो। तो इतनी सारी फैसिलिटी देने के बाद में शायद ही मतलब कोई दूसरी वेबसाइट पे स्विच करने को थोड़ा इसका मन ही होता है। जैसे हमारी वेबसाइट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि लोकल अमरावती की न्यूज़, अमरावती ज़िले की न्यूज़, साथ साथ हम देश और दुनिया की न्यूज़ों को भी आप तक पहुंचाते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से, जिसका एड्रेस है www.citynews.net.in पर। वैभव सर से जानते हैं कि उनके इस डेवलपमेंट के पीछे, उनकी इस मेहनत के पीछे जो उनका काम रहा है उसके पीछे एक वेबसाइट में आप देश दुनिया, उसके बाद लोकल की न्यूज और उसके साथ साथ ब्रेकिंग न्यूज, उसके बाद आप गेम खेल सकते हैं फ्री में, किसी को SMS भेज सकते हैं, और सबसे खास बात आज की यंग जनरेशन की जो सबसे पहली चॉइस है बॉलीवुड का जो बुखार हमारी युवाओं पे है उसका सीधा सीधा इन्होंने उससे कनेक्ट किया है कि एक क्लिक के ऊपर में आप नए नए लेटेस्ट फिल्मों के गीत भी आप सुन सकते हैं। वैभव भाई, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे, वेदर फोरकास्ट भी हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, ये सारी चीजें, इसके पीछे आपका क्या मेन क्या टारगेट रहा है? मेरा ऐसे वो था मोटो कि एक वेबसाइट ऐसी हो जिसमें पूरी अमरावती की जानकारी, प्लस जैसे कि अमरावती में आज का तापमान क्या है, क्या चल रहा है, पिछले एक हफ्ते में क्या तापमान रह चुका है, पूरी डिटेल एक्चुअली आपको पूरे A to Z आपको पूरी डिटेल इसमें वेबसाइट में मिलेंगी। प्लस कैसा है कि आपने अगर मैं भी इनकेस मैं ऑफिस जाता हूँ तो मैं वो जस्ट एक गाने का बटन क्लिक करता हूँ और वो दिन भर नए गाने चलते रहते हैं। तो कोई भी ऐसे नहीं चाहेगा कि मतलब वो गाने स्टॉप हो या ये ऐसे मतलब कुछ वापस से सिलेक्शन की प्रोसेस हो या कुछ हो। तो आपको जैसे भी मुझे कोई अर्जेंट काम गिरता है, जैसे मुझे किसी को SMS भेजना है या कोई बाय चांस मुझे टाइप करना पड़ता है, तो इन केस मैं दैट टाइम आई विल बी यूजिंग द आवर वेबसाइट। अच्छा, कि मुझे किसी को नंबर भेजना है अर्जेंट में या किसी को कुछ भी करना है तो एट दैट टाइम मैं सिटी न्यूज़ की वेबसाइट खोलता हूँ और SMS करता हूँ। मुझे मालूम है कि वहाँ से फ्री SMS फैसिलिटी मैंने लगाया है। तो कोई भी मतलब ये चाहेगा कि क्यों ना फ्री में SMS वापरे, तो किसी का एड्रेस भेजना रहे या किसी का कुछ भी काम रहे या किसी और का नंबर भेजना रहे तो उस टाइम पे हम फ्री SMS फैसिलिटी का यूज़ करते हैं। प्लस जैसे कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ रही अमरावती की तो हम ये देखते ही है। अब हम पुणे में रहते हैं और हमको यहाँ के बारे में क्या चल रहा है कुछ मालूम नहीं रहता है, बट अभी ये जो वेबसाइट खुली है इसके माध्यम से हम सारा अपडेट कर ले सकते हैं। हाँ, अपने आपको पूरा अमरावती की जानकारी हम एक इसके नीचे ले सकते हैं। सबसे पहले जैसा ये था कि आधुनिक दौर में पहले हुआ करता था कि रेडियो सुनो तो आपको कहीं की खबर, कहीं का कुछ समाचार हो वो प्राप्त हो सकता था, लेकिन आज इस आधुनिक हाईटेक जमाने में आप अगर आपके वेबसाइट, अब आपके ऑफिस में बैठे हो या आप आपके घर में बैठे हो या आप किसी रास्ते में सफर कर रहे हो, अगर आपके पास लैपटॉप है या आपके पास मोबाइल है, तो आज GPRS सिस्टम और मोबाइल USB मॉडम का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है उससे आप पूरी दुनिया की खबरें एक मिनट में आपके एक क्लिक से आप पा सकते हैं। उसी का जीता जागता उदाहरण है हमारी ये वेबसाइट, जिसे लोग इतना सराह रहे हैं कि एक महीने में लोगों ने लगभग 10,000 से ज्यादा हिट्स इस वेबसाइट को दिए हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर आप वेबसाइट क्लिक करते हैं तो आपको सुविधाएं जो मिलती हैं, सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूं। सबसे पहला हमारा ये है कि आप जैसे लॉगिन करते हैं तो हमारी वेबसाइट पे आपको मिलेगा आज के समाचार, उसके बाद कल के जो समाचार थे, आपको किसी के समाचार ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको पिछले समाचार उसमें मिल जाएंगे। उसके बाद राशि भविष्य, आज का एक ट्रेंड है कि जब भी आदमी घर से निकलता है तो घर से निकलने से पहले, दिन की शुरुआत करने से पहले एक अपना राशि देख ले। हमारे वेबसाइट पे आप एक दिन एडवांस में, यानी आप शाम के समय में, आज की जो तारीख है कल का आपको देखना है तो आज 6 बजे के बाद आप कभी भी आपको अपडेट मिल जाएगा उस पर, प्लस उसका आप वीडियो और कोई भी समय आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि, और ये भी आप सिटी चैनल का जो भी आप न्यूज है, ऐसा नहीं कि सिटी न्यूज पे रोज शाम में आप देखो, ऐसा कुछ भी ये इसमें ये नहीं है। आपके पास इंटरनेट है तो आप वो न्यूज कभी भी देख सकते हो और कहीं से भी देख सकते हो, पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड आप वो कहीं से भी एक्सेस करके, जैसे कि आप कहीं दुबई रहे या अमेरिका रहे और अमरावती में क्या चल रहा है आप पूरा अपने इससे देख सकते हो अच्छे से कि क्या न्यूज़ है अमरावती के और क्या चल रहा है। कई मैसेज बीच में, कई SMS हमें मिले, कई ईमेल हमें मिले, लोग
कनाडा, अमेरिका, दुबई और काफी जगह पे जो अमरावती के एनआरआईज हैं, आसपास के जो एनआरआईज हैं जो अमरावती से अपडेट रखना चाहते हैं अपने आप को, उनके काफी एसएमएस मिले कि आपकी वेबसाइट काफी अच्छी है और हम उसका पूरा पूरा फायदा यहाँ बैठे बैठे उठा सकते हैं। लेकिन ये आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम दुनिया को मुट्ठी में समाये हुए हैं। हालांकि दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन इस टेक्निक ने, इस टेक्नोलॉजी ने दुनिया को मुट्ठी में समा के रख दिया है। जानते हैं आगे की जानकारियां वेबसाइट की, कि सबसे पहले हमने बताया था आपको इसके अंदर अमरावती की लोकल प्रोफेशनल्स की सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। इसमें अमरावती के जितने भी राजकारणी, प्रशासकीय अधिकारी हैं उनके नंबर्स, उनकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और सबसे खास बात, आपका मनोरंजन यानी आपका एंटरटेनमेंट इस वेबसाइट के साथ साथ न्यूज़ की अपडेट के साथ आपकी फैसिलिटीज़ को देखते हुए फ्री वीडियो गेम्स, फ्री एसएमएस और फ्री यहां से आप म्यूजिक्स का मज़ा ले सकते हैं। पूरा पूरी जानकारी जितने भी डॉक्टर्स हैं अमरावती के आपको ये वेबसाइट में मिलेंगे। जितने भी डॉक्टर्स हैं, वकील्स हैं, जितने प्रशासक हैं उनके नंबर्स और जो भी इंपॉर्टेंट पुलिस स्टेशन्स हैं सबके नंबर ए टू जेड आपको ये वेबसाइट पे मिलेंगे आगे। और अभी एक्चुअली थोड़ा सा पार्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो बाकी जो फैसिलिटी है इसमें अभी ही इतनी फैसिलिटी है कि आप उसे खोल के मतलब यूज़ कर सकते हैं। प्लस आपको कोई न्यूज़ पसंद आती है तो आप डायरेक्टली विदाउट एनी केस आप उसको फेसबुक में शेयर कर सकते हैं। और आप किसी को अगर ज़्यादा ही पसंद आती है तो आप वो पूरी न्यूज़ आप विद इन अ क्लिक आप उसको ईमेल कर सकते हैं। अच्छा, मतलब डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड भी कर सकते हैं आप, अगर किसको आपको भेजना है डायरेक्टली सेंड, आपका फ्रेंड अगर वो नहीं खोल सकता है या कुछ वो डेली अपने इसमें व्यस्त रहता है तो आप उसको डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू आप जस्ट विद इन अ वन क्लिक आप उसको डायरेक्टली उसके मेल पे सेंड कर सकते हैं। यानी टेक्स्ट फैसिलिटी राशि के अंदर आप टेक्स्ट भी देख सकते हैं, वीडियो का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो देखकर भी आप आपकी राशि, और साथ साथ इसमें जो इम्पोर्टेंट और चीजें हैं वो क्रिकेट का लाइव स्कोर भी आप देख सकते हैं। अभी जैसे बीच में आईपीएल का दौर था और क्या स्कोर चल रहा क्या नहीं, ऐसे जैसे जितने भी ऑफिशियल लोग हैं उनको वेबसाइट ही मालूम नहीं पड़ती कि कौन सा क्या कौन सी वेबसाइट है। लेकिन अभी आपको ये हमने सुविधा अवेलेबल करा के दी है कि आपको जो भी ऑनलाइन आप रहे और आपको मैच देखना रहे या कुछ स्कोर मालूम करना रहे तो डायरेक्टली आप वेबसाइट पे जाइए और हमारा ये देखिए उसमें एक मौजूदा क्रिकेट स्कोर, उसमें आपको पूरा लाइव स्कोर जो भी मैच चल रही है जैसी पूरा वैसे की वैसे करंट अपडेट मिल जाता है। करंट अपडेट यानी एक अगर आप ऑफिस में बैठे हैं और अगर आप एक क्लिक करके अपनी वेबसाइट का एक पेज ओपन कर देते हैं तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं और आप करंटली बाहर के मार्केट से अपडेट रहते हैं और स्कोर चल रहा है, मैच भी देख रहे हैं, म्यूजिक भी सुन रहे हैं, किसी को फ्री में एसएमएस भी कर रहे हैं, अपना काम निपटाते निपटाते आपको गेम खेलने का मूड हुआ तो आप वीडियो गेम भी खेल सकते हैं। यानी सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, आदमी की मेंटालिटी को ध्यान में रखते हुए, ऑफिस की बोरियत को ध्यान में रखते हुए आपने ये सारी चीजें डिजाइन की है। तो ये थे हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर और वेब डेवलपर वैभव शर्मा जो पूना से स्पेशल आए थे हमारे इस डेमो के लिए, जिन्होंने सारी जानकारियां दी वेबसाइट की, जिन्होंने सारे सिस्टम बताए, सारी सुविधाएं बताई जो वेबसाइट पर अवेलेबल है और जो वेबसाइट जनता की सुविधाओं के लिए इन्होंने डिजाइन की है और जो सिटी न्यूज की सारी अपडेट्स आपको देता रहेगा चाहे आप देश में हो या दुनिया में हो या कहीं भी हो। तो एक लॉग ऑन, बस एक क्लिक दूर है आप सारी अपडेट से, तो अपडेट करते रहिए अपने आप को और एक बार लॉग ऑन जरूर करिएगा www.citynews.net.in पर। थैंक यू वेरी मच। अमरावती शहरवासियों पर जो करोड़ों रुपए का टैक्स बकाया है उसे एक महीने में वसूल करने का टारगेट मनपा को दिया गया है। ये टारगेट समय पर पूरा होने संबंधी सभी निर्देश हाल ही में हुई मनपा की एक बैठक में दिए गए। स्थायी समिति सभापति बबलू शेखावत की प्रमुख अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सारे संबंधित अधिकारियों को ये निर्देश निर्गमित किए गए कि कार्रवाई से अगर बचना है तो सौंपे गए काम नियोजित समय पर पूरा किया जाए। ये वसूली मनपा के आर्थिक स्थिति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये वसूली कितनी जल्दी होती है इस ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। अगली खबर है, अमरावती रेलवे स्टेशन पर एक 3 वर्षीय मासूम बच्ची की लाश मिलने के कारण हड़कंप मच गया। लावारिस मिली इस 3 वर्षीय मासूम बच्ची की लाश से ये पता चलता है कि कितने निर्दयी होंगे वो माँ बाप जिन्होंने इस बच्ची को इस तरीके से मृत अवस्था में लावारिस छोड़ दिया। या इसके पीछे कोई साजिश है, सवाल कई है, आइए दिखाते हैं आपको इस पर हमारी रिपोर्ट। अमरावती के मॉडल रेलवे प्लेटफॉर्म का काम जोरों पर है। यही नए प्लेटफॉर्म पर सोमवार की सुबह 11 बजे एक बेंच पर काले रंग के बुरखे में लपेट कर रखी एक 3 वर्षीय बालिका की लाश मिलने से काफी खलबली मच गई। पर यह बालिका कौन है, उसे क्यों मृत अवस्था में प्लेटफॉर्म पर छोड़ा गया आदि का पता अभी तक नहीं चल पाया है। पुलिस को मीडिया ने सूचित करने के करीब 1.5 घंटे तक वहां पुलिस नहीं पहुंची थी। अभी अभी अमरावती जबलपुर ट्रेन शुरू हुई है,
एमपी में लड़कियों की तस्करी जोरों पर है। बच्चों की तस्करी करने वाले बच्चों को दबा दबा कर ले जाते हैं। ऐसे ही बच्चों की तस्करी करने वालों के हाथ थे तो इस बच्ची की मौत नहीं हुई, तभी उसे यहाँ लावारिस छोड़ा गया, या इस बच्ची के माता पिता ने ही उसे मारकर यहाँ छोड़ दिया, या उसे किसी तस्कर ने दबाकर मार देने के बाद लावारिस लाश को प्लेटफॉर्म पर छोड़ दिया, या इसके पीछे कोई साजिश है। सवाल कई हैं, लेकिन इसका जवाब पुलिस को ढूंढना होगा। हमारे संवाददाता प्रदीप सुजतिया, वो सुदेश चौहान की रिपोर्ट। चलिए एक नजर में देखते हैं कुछ खास खबरें। अंबाबेट स्थित मनीबाई गुजराती हाई स्कूल के प्रांगण में रविवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक गुजराती एजुकेशन सोसाइटी के 13 संचालकों के लिए चुनाव हुआ। एक अध्यक्ष तथा 12 सदस्यों के पद के लिए हुए चुनाव में कुल 612 मतदाताओं ने 396 मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। दोपहर 3 बजे से मुख्य चुनाव अधिकारी नरेंद्र सागलानी, सहायक चुनाव अधिकारी हर्षद आरतिया, अशोक आरतिया, नरोत्तम भाई सेठिया, मतगणना प्रमुख विपिन भाई सेदानी, चंद्रकांत भाई उपाध्याय, हितेश भाई मेहता, कमलेश वस्तानी, चंद्रकांत राय, भाविक गांधी तथा नीलेश देशमुख की प्रमुख उपस्थिति में पोलिंग बूथ पर मतगणना की गई। मतगणना शाम 5:30 बजे तक चली। शाम 6 बजे मुख्य चुनाव अधिकारी नरेंद्र सागलानी ने विजय उम्मीदवारों की घोषणा की। अध्यक्ष के लिए निर्विरोध नीलेश भाई लाठिया चुने गए और कारोबारी समिति के लिए टोटल 22 सदस्य खड़े थे, जिसमें से हमारी पैनल के 12 सदस्य चुने गए। हमारी पैनल संयुक्त पैनल के बैनर के तले हम लोगों ने ये इलेक्शन लड़ा और ये इलेक्शन में प्रमुख, उप प्रमुख तथा कारोबारी के 12 के 12 सदस्य में हमने विजय प्राप्त की और ये हमारे लिए बहुत बड़ा विजय है और हम पे समाज ने इतना विश्वास रखा, इसलिए हमको समाज के इस विश्वास को पूर्ण करने के लिए अच्छे से अच्छा 3 साल का जो हमें कार्यकाल मिला है उसमें हमको करके दिखाना है और हम सभी ये काम करके देंगे। ऐसी मैं इन सभी से आशा रखता हूँ। दिलीप भाई पोपट और सूरज भाई राजा, हम तीनों ने इन लोगों के लिए और सारे समाज से मांगा था कि एक संयुक्त पैनल हम समाज का बनावे और संयुक्त पैनल का निर्माण होने के बाद में इतनी अच्छी हमें सफलता मिली, उसके लिए मैं पूरे समाज का, गुजराती समाज का आभारी हूँ। मैं पैनल हमारी थी सामने से अपक्ष 10 सदस्य खड़े थे, एक प्रमुख के लिए और कारोबारी समिति के लिए 10। गुजराती एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष पद के लिए 13 आवेदन भरे गए थे। 10 जुलाई को 11 सदस्यों द्वारा नामांकन वापस लेने से अध्यक्ष पद हेतु मैदान में मुकेश गगलानी तथा सुरेश माखेजा ही मैदान में शेष बचे थे। मतदान के बाद दोनों में से मुकेश गगलानी को सर्वाधिक मतदान प्राप्त होने से उन्हें सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 10 जुलाई को सदस्यों द्वारा आवेदन पीछे लिए जाने से सोसाइटी के उपाध्यक्ष पद के लिए एकमात्र नीलेश लाठिया का नाम शेष रहा, जिसके चलते उन्हें निर्विरोध चुना जाने की घोषणा की गई। रविवार को सोसाइटी के 13 पदों के लिए हुए मतदान में किसी कारणवश 2 मतों को खारिज किया गया। मतदान के दौरान कुल 396 मत पेटी में डाले गए। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्याम जगोता, जो दिल्ली के जाने माने कार्टूनिस्ट, उन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। देश की सुरक्षा व्यवस्था को अधिक मजबूत करने के लिए प्रहार अग्निशस्त्र का सफल परीक्षण हाल ही में संपन्न हुआ। ये देश की अग्निशस्त्र की ताकत को और बढ़ा देगा, पर सिर्फ रखे रहने से नहीं, इस्तेमाल कर उसका प्रहार कितना है ये अगर दुश्मनों को बता दिया जाए तो आतंकियों के छक्के छूट जाएंगे। क्या ऐसा करने की हिम्मत हमारे राजनेताओं में आएगी या बस? हफ्ते भर के बाद आज खुला शेयर मार्केट। देखते हैं दिन भर उतार चढ़ाव के बीच कैसा रहा दिन भर के कारोबार का हाल। एक नजर में शेयर मार्केट का हाल। सोमवार को भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज सुबह 9:45 पर सेंसेक्स 25 अंक की बढ़त के साथ 18,587 पर था, जबकि निफ्टी 5 अंक की मजबूती के साथ 5,586 पर था। लेकिन जब शाम में मार्केट बंद हुआ तब भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक BSE 54 अंक की गिरावट के साथ, यानी 0.30% की गिरावट के साथ 18,507 पर रहा, जबकि निफ्टी 14 अंक की गिरावट के साथ 0.25% की गिरावट के साथ 5,567 पर बंद हुआ। सोमवार की शाम हुई हल्की फुल्की बारिश के बाद शहर का मौसम कैसा रहा, आइए डालते एक नजर आज के मौसम के हाल पर।
सोमवार को सुबह से ही शहर के आसमान में बादल काले घने छाए रहे, लेकिन शाम के समय हुई बारिश ने शहर के मौसम को ठंडा जरूर किया। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा और शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज रहा 64 और ड्यू पॉइंट रहा 24। मंगलवार को भी शहर का आसमान बादलों से घिरे रहने की संभावना है और सोमवार को हुई बारिश के कारण 1% तक तापमान नीचे गिर जाएगा, यानी मंगलवार को शहर के अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 62%। ये थे अब तक के समाचार, एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमरावती रेलवे स्टेशन पर 3 वर्षीय मासूम बालिका की लाश मिलने से हड़कंप, काले बुरखे में लपेट कर रखा गया था शव को। वेंकटेश ऑयल इंडस्ट्रीज में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान। जाली नोटों के तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े, 5 आरोपी पश्चिम बंगाल के। मित्रा महासंघ का महानगर पालिका के सामने धरना, मनपा स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी सिखाने की मांग। और गुजराती एजुकेशन सोसाइटी के चुनाव संपन्न हुए। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर साथ, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 2563833। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। इन समाचारों में बस इतना ही, आप देखते रहिए सिटी न्यूज, क्योंकि सिटी न्यूज पर कार्यक्रमों का और समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत।